What is point estimation? When a single number value is used to estimate a population parameter theta, then process is called point estimation. जब एक सिंगल नंबर की वैल्यू फाइंड करते हैं उसमें जो प्रोसेस यूज होता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन. और उसका पैरामीटर क्या है? थीटा. दैट मीन्स जब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? पॉइंट एस्टिमेशन. फर्स्ट चीज, एस्टिमेशन क्या होता है? प्रिडिक्शन, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना of characteristics of population with the help of population. That single number is called point estimator of theta. इसको क्या बोलते हैं हम? जो single number है theta उसे क्या बोलते हैं? Point estimator. This point estimate is obtained by selecting a suitable statistics and its value is computed from the sample observation. जो इसकी वैल्यू है कहाँ से कंप्यूट की जाती है? सैंपल ऑब्जर्वेशन. सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन एंड एक्स थ्री एंड सो ऑन. जो इनकी वैल्यूज होती हैं उनसे कैलकुलेटेड की जाती हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू एस्टिमेट पैरामीटर म्यू. यहाँ पे हमने पैरामीटर क्या लिया है? म्यू. म्यू का मतलब क्या होता है? मीन. The average height of student of a college, a random sample of 5 students. हमारे पास students कितने हैं? 5. That means उनकी height क्या given है? x1 is equal to 5.6 feet, x2 is equal to 5.8 feet, x3 equal to 5.11 feet, x4 is equal to 5.7 feet, x5 is equal to 5.9 feet. Now इसकी जो x bar है means की sample mean है वो कैसे find out करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन. और यहाँ पे आई कहाँ से वेरी कर रहा है? 1 to 5. देन इन ऊपर वाली टर्म्स का क्या हो जाएगा? प्लस. मीन्स की x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन टोटल कितने हैं? 5. तो यहां से हमारे एक्स बार सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 5.62, विच मीन्स be considered as a very possible value of the parameter mu based on sample observation. Then the value x bar की value कितनी है? 5.62 may be taken as point estimate of mu, average height of student of the college. मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेट है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 5.62. इसका मतलब हमने एस्टिमेट कर लिया है कि जो बच्चों की हाइट है वो किसके करीब है? 5.62 के करीब है. बट ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि किसी बच्चे की 5.8 है, किसी बच्चे की 5.11 है, किसी की 5.7 है. तो ये एक एवरेज हाइट है जो हमने फाइंड आउट की है. It is to be noted that in the example above, sample mean is used a point estimate of mu. However, the point estimate can be calculated from other statistical constants as sample mean, median, mod, geometric mean. जो हमारी point estimation है उसके लिए हम कौन सा formula भी use कर सकते हैं? Mean, मीडियन. मीन का ऊपर यूज कर लिया, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और एनी अदर फंक्शंस ऑफ सैंपल वैल्यूज. मीन्स कि इन मेथड से भी हम जो पॉइंट की एस्टिमेशन है वो लगा सकते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन इज टू फाइंड आउट ए सिंगल नंबर फ्रॉम सैंपल वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट ए सबस्टेबल सेंसेबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर थीटा. द सिंबल थीटा कैप को क्या बोलते हैं हम? द सिंबल थीटा कैप इज टू डिनोटेड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ ए पैरामीटर थीटा. दस थीटा कैप इज इक्वल टू एक्स बार. मीन्स द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर थीटा इज ए सैंपल मीन एक्स बार. द स्टेटमेंट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ थीटा इज 5.62. दैट मीन्स थीटा कैप की वैल्यू क्या है? 5.62. द इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ
एस्टिमेटर आर अनबायस्ड, जो हमारे एस्टिमेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फोर हैं। फोर कौन कौन से, एक तो अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट इज अनबायस्डनेस, नेक्स्ट वीडियो में कंसिस्टेंसी, थर्ड वीडियो में हम एफिशिएंसी और फोर्थ वीडियो में सफिशिएंसी की डेफिनेशन करेंगे। थैंक यू।